टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। गुरुवार को पूरा दिन चले सियासी ड्रामे के बाद आज भी लखनऊ में बैठकों का दौर जारी रहा। आज अखिलेश यादव ने कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई, जिसमें अखिलेश समर्थक विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। अब अखिलेश ने पूरी तरह बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं। इससे पहले गुरुवार देर रात अखिलेश यादव ने 235 उम्मीदवारों की अपनी अलग लिस्ट जारी की थी, जिसके जवाब में शिवपाल यादव ने अपने 68 और कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। और आज भी शिवपाल यादव ने 3 और नामों की घोषणा की है। पार्टी में तनाव चरम पर है। सपा में मची रार के बीच वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश समर्थक राम गोपाल यादव का भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के विरोधी मेरे विरोधी होंगे और मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ। इस दौरान उन्होंने नाम लिए बिना शिवपाल यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेताजी को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। और इस बीच जो खबर आ रही है वह यह है कि मुलायम सिंह यादव ने कल सुबह एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना बाकी होगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले कल अखिलेश ने नेताजी से मुलाकात की थी और टिकट बंटवारे में अपने समर्थकों के नाम काटे जाने पर नाराजगी जताई थी, जिसके जवाब में मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव के सर्वे का हवाला देते हुए कहा था कि जिन नेताओं का टिकट काटा गया है उनकी जीत की संभावना ना के बराबर थी। हालांकि अखिलेश ने अपने सर्वे को आगे रखकर उन्हें टिकट दिए जाने की बात कही। इस दौरान अखिलेश की जिद पर मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को अपने घर बुलाया और शिवपाल की मौजूदगी में नेताजी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि टिकटों का फैसला हो चुका है और अब उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। तो समाजवादी पार्टी में घमासान जारी है। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अलग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है, अखिलेश क्या करते हैं, ये देखना फिलहाल बाकी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।